हेलो दोस्तों, दरगू हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। मैं तुम्हारा भाई सबू मुजफ्फरनगर से। जैसे कि आज हमारे पास एक गाड़ी जो आई है वो चकले की गाड़ी आई है। ये घोड़े का जो चकला है वो एक तरीके से बहुत ही गंभीर हालत में है। गंभीर क्या, एक तो जाम हो रखा है, दूसरा इसमें ट्राली में बहुत ज़्यादा चाल है और आगे पीछे झटके मारती है ट्राली। तो आज हम इस चकले को करेंगे, तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना, आपको पता लगेगा किस तरीके से इस चकले में क्या समस्या है और किस वजह से है। क्योंकि इस कस्टमर ने क्योंकि चकला काफ़ी समय से कराया नहीं, तो इस वजह से इसकी पीने वगैरह में मुझे ज़्यादा समस्या लग रही है। तो वीडियो में आगे देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो आगे आपको पता लग जाएगा, तो बने रहें वीडियो के साथ। तो दोस्तों काफ़ी पिन सीज है इसके अंदर, हमने काफ़ी चोट वगैरह मार दी है इसमें, तब भी पिन बाहर आने का नाम नहीं ले रही है। पाइपलाइन से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, अब लगता है शायद इससे कोई फ़र्क पड़े, बाकी हमें उम्मीद इससे बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि बुश में सीज हो चुकी है ये पिन। जो पिन है वो रबड़ वाले बुश होते हैं इसमें, और वो इसमें पकड़ बना चुके हैं बढ़िया करके, जिस वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। और मेरे ताऊ जी जो छिंदे मिस्त्री जी हैं वो भी अब ऊपर इसमें चोट मारने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि चोट मार के देखेंगे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। जो कि देखा जा रहा है कि पिन काफ़ी बहुत ज़्यादा सीज है, जो कि नहीं निकलने की तादाद में है, क्योंकि ये नाम ही ले रही बाहर आऊँ मैं पिन, क्योंकि ये सीज हो चुकी है। तो इसे हमें पूरे चकले को ही अब बोल्टों द्वारा खोलना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोल्टों द्वारा चकले को खोला जा रहा है, और इन्हें पैरों को खोलकर हम नीचे उतारेंगे। तो इधर दूसरा चकला पड़ा हुआ है किसी गाड़ी का, वो भी रिपेयर हो रहा है आप देख पाएंगे। तो इसमें भी समस्या कुछ अलग तरीके की थी, वो हमने कर दी सही इसकी समस्या। फिलहाल जो दोस्तों ये चकला जो है हमने इसका पैर खोल लिया है एक, और दूसरी तरफ से पिन निकाल ली थी, जो कि पिन निकल चुकी थी। इधर से पिन ना निकलने की वजह से हमें इसका पैर खोलना पड़ा। तो दोस्तों अब ये चकले को हमने नीचे गिराना है, और नीचे गिराने के बाद इसे हम इसकी वाली पिन निकालेंगे। तो देखते हैं आज ये पिन कैसे निकलती है और क्या होता है इसमें। तो बने रहे वीडियो के साथ दोस्तों, पूरी वीडियो देखना कि ये चकले ऐसे ऐसे भी फंसते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को चकले ऐसे नहीं फंसते होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो क्या करते होंगे ज़्यादातर बुश वगैरह बदलते नहीं, या ऐसे ही बस फिट कर दिया बाहर से सेटिंग कर दी, क्योंकि जो मेन इसमें है बुश है, क्योंकि बुश में ही झटका लगता है, और झटका लगने से ट्राली आगे पीछे की चाल बनाता है, और फिर ये धीरे धीरे कट जाते हैं, फिर पिने भी कट जाते हैं, इसके पैर भी ऐसे ही कट जाते हैं, फिर कस्टमर को महंगा पड़ जाता है चकला, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी खर्चा आ जाता है, क्योंकि पैर भी कट जाते हैं, पिने भी, फिर बुश भी, फिर प्लस लेवर और सब मिला के काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है दोस्तों। तो इसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ज़रूरी,
क्योंकि हम इसी तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अब जैसे कि हमने चकले को नीचे उतारना है और पूरा प्रॉपर तरीके से हर चीज़ चेक की जाएगी। और दूसरी तरफ एक चकला और आ रखा था जो कि आपको मैंने पीछे भी दिखाया था, तो वो चेक किया जा रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है नहीं है। तो इसका जो काम था वो फाइनली हो गया है। तो वेल्डिंग करने की वजह से इसमें जो हमने सीट इसकी ख़राब थी वो हमने सही करी है, तो उसकी वजह से धुआं निकल रहा है इसमें से, क्योंकि ग्रीस होता है तो ग्रीस फूट जाता है गर्म होने पे, आपको मालूम होगा। तो दोस्तों चकला उठा दिया गया है और ये पलटने वाला है जैसे कि आप अभी देखेंगे। दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, देखो ये पलट गया, चकला पलटा क्या अपने आप ही, तिलक तिलक के नीचे ही अपने आप गिर गया। देखो चकले की कंडीशन क्या है कि वो एक बार पलटा और फिसल फिसल कर अपने आप ही नीचे आ गया। तो दोस्तों अब हम इस चकले में से पिन निकालेंगे, तो देखना अब हम किस तरीके से पिन को निकालते हैं। तो दोस्तों चकले को पलटा जाएगा, पलटने के बाद इसकी पिन को देखा जाएगा किस तरीके से निकालना है, और इसके लिए औजार आएंगे अंदर से, और अंदर से औजार लेने के लिए वर्कर पहुंच गए हैं। और औजार जैसे ही आएंगे वैसे हिलाकर देखा जा रहा है कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि पिन भी साथ में घूम रही है और वो पिन जो है वो बूश के अंदर सी हो चुकी है। तो दोस्तों यही वजह थी जो इसकी पिन बाहर नहीं आ पा रही थी, मगर हम इसे बाहर निकालने की पूरी मशक्क़त में लगे हुए हैं। तो आप इस चीज़ को देखेंगे पूरा ध्यान से, तो ये चोट मारने की प्रतिक्रिया जारी हो चुकी है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये देखिए चोट लग रही है काफ़ी तेज़ी से, और चकला भी परे सरकता जा रहा है मगर पिन निकलने का नाम नहीं दे रही है। दोस्तों ये पिन होगी क्या होगी, इसने सिर में दर्द कर दिया, ये पिन बाहर ही नहीं निकल रही है, क्या किया जा सकता है इसका? दोस्तों बताओ, कोई कमेंट करके बताओ कि पिन कैसे निकालें हम बाहर, तो ये पिन निकलने का नाम नहीं दे रही है। अब आखिरी में हम देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों पिन बहुत टाइट है, इतनी टाइट है मैं बता नहीं सकता, इसकी बहुत ज़्यादा टाइट है क्योंकि पिन जो इसके अंदर है वो बुश के अंदर सीज हो गई है, जिसकी वजह से ये पिन बाहर नहीं आ पा रही। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, एक तरीके अगर इसे सही समय पर नहीं हल किया गया तो ये कल को बहुत बड़ी समस्या दे सकती है। तो दोस्तों देखें वीडियो को पूरा, देखना किस तरीके से कैसे क्या काम हो रहा है इसमें। तो बने रहे दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है और शायद हमें लगता है कि हमें गर्म करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर है और बुश बिल्कुल सीज है। घंट की सपोर्ट भी लगा रहे हैं तब भी मतलब निकलने की चांस ही नहीं है, और निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, वो निकलने का जरा सा नाम भी ले पा रही है। आप ये देखिए पिन, बस क्या बताऊँ आपको दोस्तों, लगे हुए हैं एक दूसरे को कह रहे हैं वो चोट मारेगा मैं मारूंगा वो मारूंगा, इस चीज़ में लगे हुए हैं। बस ये कि चोट नहीं लग पा रही, अब जगता है मैं मारूंगा चोट अभी तभी जाके कुछ होगा। तो दोस्तों हमने पिन निकालने की बहुत कोशिश करी मगर पिन नहीं निकल पाई, और आखिरी में मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी ट्राई करके देख ही लूँ कि क्या होगा, बाकी लगता नहीं कि नहीं निकल पाएगी। मगर आखिरी में हमने फिर क्या करा, इसमें आग लगाने की कोशिश की और आग लगा कर इसे गर्म करने की कोशिश करी कि रबड़ जो है थोड़ी सी जल जाए या गर्म हो जाए या थोड़ी नरम हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों हमने इसमें आग भी लगाई है, तो आग लगाने के बाद अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों गर्मी बहुत है और गर्मी हमने इसे दे दी है जिससे कि ये पिन बाहर आ जाए, तो गर्मी की वजह से हमने इसे और गर्मी देने की सोची जिससे कि ये पिन आराम से बाहर आ जाए, क्योंकि बुश में सीज हो चुकी है इसकी पिन। तो दोस्तों आज हम इसकी पिन निकालेंगे किस तरीके से, चकले में आग लगाकर, जो कि आप देख रहे हैं आग जल रही है, तो उसके बाद आप देख पाएंगे। बने रहना वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना दोस्तों, कुछ पैराग्राफ छूट ना जाए, पता कैसे लगेगा आपको कि हमने कैसे निकाली है। तो दोस्तों पिन जो हमने गर्म करनी थी वो कर ली है, तेल वेल डाल के कपड़े जलाकर हमने हर काम कर लिया है, मगर ये गर्म होकर भी पिन बाहर नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों अब हमें लगता है कुछ और करना पड़ेगा जिससे ये पिन बाहर आएगी। तो दोस्तों बहुत देर हो गई है और बहुत देर से हम इस पिन को निकालने में लगे हुए हैं, तो आखिरकार हमने फिर गैस कटर वाले को बुला ही लिया और गैस कटर वाले को कहा कि इसे गर्म कर और इसे बाहर हमने निकालनी है इस पिन को, क्योंकि बहुत देर से हम परेशान हो गए इस पिन के चक्कर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीज हो चुकी थी अंदर ये, जो निकलने का नाम ही नहीं ले पा रही थी। तो दोस्तों अभी आखिरी में हमने गैस कटर को बुलाया और गर्म करा, और गर्म करने के बाद जो नतीजा निकला वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे।
दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, देखना जरूर कि हमने किस तरीके से इस पिन को आखिरी तक किस तरीके से निकाला। तो दोस्तों ये पिन आखिरकार बाहर निकलने को तैयार हो गई है। तो ये निकली बाहर पिन, बहुत देर में इसने दुखी कर दिया था, ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर आखिरकार हमने इसे गर्म कर बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों हमने पिन को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, पता नहीं क्या क्या करा, इस वीडियो को लंबा तो हो गया थोड़ा, मगर इस पिन को हमने निकालना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों देख सकते हैं आप पिन की क्या हालत है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। दूसरी तरफ उसका जो पैर है वो भी हमने बाहर निकाल लिया है, जो फंसा हुआ था वहाँ, उसके अंदर रबड़ देखिए किस तरीके से ख़राब हो चुकी है और फैल चुकी है, जो कि इसके अंदर पिन को सीज करके रखा हुआ था इस रबड़ के अंदर। तो दोस्तों अब हम आपको पिन दिखाएँगे, ये देखिए पिन की क्या हालत है, और हमने गर्म भी करी है, चोटे मार के घट्टा हो चुका है पिन के अंदर, तो पिन बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी, तो इस वजह से हमने ये प्रतिक्रिया जारी की। तो दोस्तों चकले का काम वगैरह निपटा के अब हमने चकले को ऊपर रख दिया है, अब चकले को फंसाया जाएगा। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो में देखना किस तरीके से हम चकले को फंसाएंगे। अब उसका पैर भी जो खोला था हमने वो टाइट कर दिया है और पुश वगैरह नहीं लगा दिए गए हैं। और दोस्तों अब चकले को जो है पलटा जाएगा, चकले को पलट के उसके ऊपर रखा जाएगा जो कि इसके सेंटर हैं, और इन सेंटरों में ही इन्हें सेंटर कर दिया जाएगा और फिर इनमें पिन फंसाई जाएगी, जो कि आप देखेंगे बड़े प्यार तरीके से हम पिन फंसाएंगे ग्रीस लगाकर, जिससे कि भविष्य में हम इसे आराम से निकाल सकें, अगर दोबारा कोई समस्या आती है तो पिन निकालने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि हम इसे ग्रीस वगैरह लगा के तरीके से फिट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों आपको वीडियो में कैसा लगा कि हमने चकला किस तरीके से उसकी पिन निकाल के इसे रवा करी और फिट कर दिया इसे वापस उसी तरीके से, जो कि नॉर्मल तरीका था, जो इसमें सामान ख़राब था वो हमने बदल दिया। तो दोस्तों ऐसी सी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में कुछ नया के लिए, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।